हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूवर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फायर फाइटिंग सिस्टम से रिलेटेड, जो कि आजकल इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में बनाया है। इस वीडियो में बस केवल हम जो टॉप के 20 क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखेंगे, और इसका जो सेकेंड पार्ट हमारा आएगा उसमें जो बचे हुए 20 क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। मतलब कि ये 40 क्वेश्चन पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम में जितने भी सिस्टम होते हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम है, हाइड्रेंट सिस्टम है, पंप रूम सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है, नॉविक सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स के जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को ये कवर करेंगे, ये 40 क्वेश्चंस। अभी करंट सिचुएशन में हर जगह पे इंटरव्यू भी हो रहे हैं, चाहे वो सुपरवाइज़र के लिए, इंजीनियर के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, टेक्नीशियन के लिए। इन सारी चीज़ों को समराइज करके हमने 40 क्वेश्चंस निकाले हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनके जो 20 क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में रहेंगे, और जो बाकी के जो 20 क्वेश्चन हैं वो हमारे पार्ट 2 के वीडियो में रहेंगे। ये जितने भी स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहे हैं जितने भी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स के जो मेन क्वेश्चन हैं उनको हमने इसमें डाला है। करेंटली बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू भी दिया है, और जो हमारे क्वेश्चन का सीरीज जो अभी आ रहा है, हर दूसरे या तीसरे दिन पर हम लोग अपलोड कर रहे हैं, उनसे सारे क्वेश्चन लगभग टच कर रहे हैं। तो ये जो 40 क्वेश्चंस है उनको हम बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे और एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। एक एक क्वेश्चन को हम पूरा टाइम देंगे, कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट टाइम देंगे, और ये लास्ट तक करीब करीब आधे घंटे का ये वीडियो रहेगा। और जो हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा वो भी इसी तरीका का रहेगा। इसमें हम साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको इमेजेस भी दिखाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और सारे क्वेश्चन को लगभग हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अभी जैसे स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, और जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही पूछ दिया जाता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम होता क्या है। तो इसका जवाब है, इट इज़ ए एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम विच इज़ सेंसिटिव, ऑटोमेटिक, consisting of water supply with pressure and water distribution all around the pipes called sprinkler system, कि ऐसा sprinkler system जो कि fire protection के लिए use होता है, कहीं भी अगर आग लगती है तो उस आग से बचाने के लिए system को use करते हैं, ये system होता है, ये sensitive system होता है, मतलब कि temperature based होता है। जैसे ही temperature sense करता है sprinkler, ये burst कर जाता है और system start हो जाता है। sprinkler हमारा pipe से connected होता है, जिस पाइप में पानी भरा होता है वो फुली प्रेशराइज्ड पानी होता है, और ये सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, इसको जिसकी सेटिंग की जाती है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होता है। और ये पाइपलाइन में पूरे पाइपलाइन में एक प्रेशर के साथ पूरा का पूरा पानी भरा होता है। जैसे ही कहीं आग लगती है स्प्रिंकलर बस्ट करता है, और उस स्प्रिंकलर से पाइप के थ्रू सारा का सारा पानी उस एरिए में कवर करता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि व्हाट इज हाइड्रेंट सिस्टम, कि हाइड्रेंट सिस्टम क्या होता है। इसका जवाब है, ए सिस्टम हैविंग इंस्टॉलेशन कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पाइप कनेक्शन डायरेक्टली टू द वाटर सप्लाई टू प्रोवाइड वाटर टू एवरी हाइड्रेंट पोस्ट और लैंडिंग वॉल। इट हैव डिफरेंट पार्ट्स लाइक होज रील, होज कैबिनेट, नोजल, मेल फीमेल कपलिंग एट्सेट्रा। तो हाइड्रेंट सिस्टम क्या होता है। हाइड्रेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हाई राइज बिल्डिंग में लगाया जाता है, इन केस अगर आग लगती है तो बाहर से ही हम कनेक्शन दे के और बाहर से ही बिल्डिंग के हाई प्रेशर के साथ टॉप फ्लोर तक ही हम वाटर को प्रेशराइज करके वहाँ तक पानी पहुँचा सकते हैं आग बुझाने के लिए। ये कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम विच है पाइप, ये पाइप के साथ एडजस्ट होता है, और इसके जो पार्ट्स हमने बताए हैं वो सारे पार्ट्स इसमें लगे होते हैं। इस पर हमने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि लगभग
सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर क्या क्या हैं, और हमने इस पर एक दो वीडियो भी बना रखी है, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया और हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो क्लासेस की बात करते हैं, अगर क्लास ए, डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लास ए बी सी डी ई और एक क्लास है के, तो ये सारी क्लासेस हैं। जैसे क्लास ए की बात करते हैं, ये क्लास ए कौन सी फायर होती है, ड्यू टू बर्निंग ऑफ सॉलिड, ऐसी फायर जो कि अगर कोई सॉलिड बर्न करता है उससे जो क्रिएट होती है, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, ऐसी फायर को क्लास ए की फायर कहते हैं। सेम तरीके से क्लास बी की फायर, अगर कोई लिक्विड जल रहा है उससे जो फायर जनरेट होती है उसको क्लास बी की फायर। क्लास सी की फायर, अगर कोई गैस जल रहा है, जैसे नेचुरल गैस है, प्रोपेन है, ये सब गैस जलती है, तो क्लास सी की फायर होती है। डी की फायर ड्यू टू बर्निंग ऑफ मेटल्स, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। क्लास ई की फायर ड्यू टू बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, केबल, जैसे कोई भी अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम जो फायर निकलती है उसको क्लास ई की फायर कहते हैं। क्लास एफ का फायर ड्यू टू बर्निंग ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, कुकिंग ऑयल के जलने से जो फायर क्रिएट होती है उसको क्लास एफ की फायर कहते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमने बस आपको ऐसे ही बता दिया है, लेकिन इन सारी चीज़ों पे करीब 10 या 12 मिनट का हमारा एक वीडियो भी है, उसमें हमने पूरा डिटेल में इसके बारे में बात किया है, एक एक चीज़ की फायर क्या होता है, फायर ट्रायंगल क्या होता है और कौन कौन सी फायर होती हैं, उसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हमने बताया है। लेकिन इतना भी जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये भी इनफ है, इंटरव्यूज़ में इतना ही पूछते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आपको और जानना है तो हमने इस पर एक दो वीडियो बना रखा है, तो उधर से भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारी बात थी डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर, कि कौन कौन सी फायर की क्लासेस होती हैं और वो फायर कैसे जनरेट होती हैं, मतलब कौन सी चीज़ जलती है तो उस टाइप की फायर जनरेट होती है। जनरली जो इसमें जो ई टाइप की क्लास का फायर है, इलेक्ट्रिकल वायर, तो ये तब जनरेट होता है जबकि हमारे पावर सप्लाई ऑन रहता है, उस टाइम के फायर को क्लास ई का फायर कहते हैं। ये था हमारा क्लासेस ऑफ फायर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया, व्हाट टाइप्स ऑफ पंप यूज्ड इन फायर फाइटिंग सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फायर फाइटिंग सिस्टम में कितने टाइप्स के पंप यूज़ किए जाते हैं। तो पंप पे भी हमने 2-3 वीडियो बना रखा है इस चैनल पे। तो जनरली 4 टाइप्स ऑफ पंप इज़ यूज्ड फॉर फायर फाइटिंग सिस्टम। 4 तरह के पंप होते हैं जो कि फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। पहला है जॉकी पंप, फिर मेन फायर पंप, डीजल पंप और बूस्टर पंप। ये चारों पंप के बारे में हमने अलग अलग वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में हमने बताया है कि उस वीडियो में क्या क्या चीज़ होता है, पंप का स्पेसिफिकेशन बताया है, उसके हेड के बारे में बताया है, हार्स पावर बताया है, कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, कितने कितने कैपेसिटी का होता है पंप, इसके बारे में भी बताया है, पंप का कनेक्शन कैसे होता है प्रेशर स्विच से, फायर पैनल से, इसके बारे में भी बताया है। हमारे बहुत सारे वीडियो भी हैं फायर पंप रूम पे, उसमें हमने पूरी डिटेल में एक एक पंप के बारे में बताया है। तो ये बेसिक सा सवाल था कि कितने तरह के पंप यूज़ होते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में। तो 4 तरह के पंप स्टार्ट होते हैं, जॉकी, मेन फायर, डीजल पंप, बूस्टर पंप। सबसे पहले कभी भी अगर फायर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले जो एक्टिव होता है वो पंप, वो होता है जॉकी पंप। तो ये सारा बात हुआ पंप के बारे में। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वॉट वुड बी द टेम्परेचर रेटिंग ऑफ ए स्प्रिंकलर विच इज़ इंस्टॉल्ड इन किचन हुड। पूछ रहा है कि जो हम किचन हुड में स्प्रिंकलर लगाते हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस का स्प्रिंकलर होता है। आंसर है, इफ़ किचन इज स्मॉल देन वी कैन यूज 79 डिग्री सेल्सियस रेटिंग स्प्रिंकलर हैविंग कलर कोडिंग येलो। अगर हमारा छोटा साइज किचन है तो हम 79 डिग्री सेल्सियस का स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं जिसका कलर कोडिंग है, यानी उसमें जो कलर होगा स्प्रिंकलर का वो येलो कलर का होगा, उसके अंदर स्प्रिंकलर के अंदर जो लिक्विड होता है उसके कलर की बात कर रहे हैं। इफ़ किचन हुड इज़ ह्यूज देन वी शुड इंस्टॉल 93 डिग्री स्प्रिंकलर हैविंग कलर कोडिंग ग्रीन। अगर आपका किचन हुड बड़ा है, मतलब लार्ज एरिया कवर कर रहा है, तो इस सिचुएशन में हम 93 डिग्री सेल्सियस का स्प्रिंकलर इंस्टॉल करते हैं जिसका कलर कोडिंग होता है ग्रीन, मतलब कि उसमें जो ग्लिसरीन और वाटर का जो मिक्सर होता है वो ग्रीन कलर से उसको शो किया जाता है। तो ये सारी बातें हुई कि किचन हुड से रिलेटेड कि कौन कौन से स्प्रिंकलर यूज़ किए जाते हैं और वो कितनी डिग्री के होते हैं। जनरली हम 93 डिग्री का स्प्रिंकलर ही सारे किचन्स में यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, कि व्हाट इज़ द कलर कोडिंग
विद टेम्परेचर ऑफ स्प्रिंकलर विच इज़ इंस्टॉल्ड इन पार्किंग एरिया। जो हमारा पार्किंग एरिया होता है, बेसमेंट एरिया हो गया, लोअर ग्राउंड लेवल हो गया, अपर ग्राउंड लेवल हो गया, ये सब पार्किंग एरिया होता है। तो इस एरिया में कितने डिग्री सेल्सियस का और उसका क्या कलर कोडिंग होता है, उस स्प्रिंकलर के बारे में पूछा है। तो ऐसे एरियाज में हम 68 डिग्री का स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं जिसका कलर कोडिंग रेड होता है। जनरली ऐसे एरिया में हम पेंडेंट स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं। वी शुड इंस्टॉल साइड वॉल स्प्रिंकलर फॉर रैंप। हमें अगर रैंप है पार्किंग एरिया में तो रैंप पे हमको साइड वॉल स्प्रिंकलर देना चाहिए। रैंप के दोनों साइड साइड वॉल स्प्रिंकलर हमको देना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो जनरली साइड वॉल स्प्रिंकलर देंगे, उसका भी टेम्परेचर हम 68 डिग्री लेके चलेंगे, वो भी रेड कलर का ही होगा। तो पार्किंग एरिया में ये 68 डिग्री सेल्सियस का स्प्रिंकलर लगाया जाता है, जो कि जिसका कलर कोडिंग होता है वो रेड होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फायर हाइड्रेंट सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है, कि कौन कौन से पार्ट से मिलके एक कंप्लीट फायर हाइड्रेंट सिस्टम बनता है। तो इसका आंसर है द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फायर हाइड्रेंट्स आर होज कैबिनेट, नोजल, होज रील, कैनवस पाइप, ऑरिफिस प्लेट, लैंडिंग वॉल, हाइड्रेंट वॉल विद डिफरेंट वेज, हैमर, गैस्केट एट्सेट्रा। ये सारा का सारा हाइड्रेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिलके एक कंप्लीट हाइड्रेंट वॉल इंस्टॉल होता है। जैसे कि उसमें होज कैबिनेट होता है जिसमें हम होज को रखते हैं, होज पाइप को रखते हैं, नोजल होता है वो होज रील ड्रम के साथ होता है, कैनवस पाइप होती है, ऑरिफिस प्लेट हम लैंडिंग वॉल में लगाते हैं इंस्टॉल करने के टाइम, लैंडिंग वॉल होता है, हाइड्रेंट वॉल होता है विद डिफरेंट वेज। हाइड्रेंट वॉल विद डिफरेंट वेज का मतलब है कहीं सिंगल वे का होता है, कहीं डबल हेड होता है, कहीं फोर वे होता है, इस तरह के लैंडिंग वॉल आते हैं। हैमर छोटा सा हैमर होता है जो कि फायर होस कैबिनेट में रखा होता है, इनकेस अगर एक्सीडेंट होता है तो शीशे को तोड़ने के लिए इसको लगाया जाता है, जो होज रेल ड्रम के साथ लगा होता है। गैस्केट का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनकेस लीकेज आता है तो लैंडिंग वॉल में गैस्केट लगा के उसको टाइट करते हैं। ये सारा था हाइड्रेंट सिस्टम का पार्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्प्रिंकलर्स कैन बी इंस्टॉल इन 1 इंच डायामीटर पाइप, कि 1 इंच के डायामीटर के पाइप में हम कितने स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम 1 इंच डायामीटर के पाइप में कितना स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसका जवाब है वी कैन इंस्टॉल 1 to 2 स्प्रिंकलर्स इन 1 इंच डायमीटर पाइप, कि 1 इंच डायमीटर का अगर पाइप है तो उसमें हम 1 से 2 स्प्रिंकलर तक इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर हमने वीडियो भी बना रखा है कि अगर हमारा डिफरेंट डायमीटर का पाइप रहेगा तो उसमें कितने से कितने स्प्रिंकलर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर 1 इंच का पाइप है तो हम 2 स्प्रिंकलर मैक्सिमम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 2 इंच का पाइप है, अगर हम 32 mm का पाइप है तो इसमें 3 इंच स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं। 40 mm का पाइप है तो ऐसे करके जितने भी डायमीटर के पाइप हैं उसमें कितने हम स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं उनके बारे में हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। इसने पूछा है कि फायर अलार्म सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जिनसे मिलके एक पूरा फायर अलार्म सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले है फायर पैनल। ये फायर पैनल से जितने भी अदर कंपोनेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। MCP यानी कि मैनुअल कॉल पॉइंट, हूटर, स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल में कंट्रोल मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल, इंसुलेटर मॉड्यूल और मॉनिटर मॉड्यूल, ये सब तरह के मॉड्यूल होते हैं जो कि फायर अलार्म सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो इस पे भी हमने एक वीडियो बना रखा है कि फायर अलार्म सिस्टम में, उसमें हमने सारे जितने भी ये पार्ट्स हैं उनकी वर्किंग बताया है, वो कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में बताया है। और एक हमने टेस्टिंग भी की है उस वीडियो में, उस टेस्टिंग को करके भी दिखाया है कि कैसे फायर अलार्म सिस्टम की हम टेस्टिंग करते हैं और कैसे टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो जो हमने वीडियो बनाया है उसमें जो हमने टेस्टिंग की है वो टेस्टिंग सक्सेसफुल रही है और वो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम है।
जिसका हमने वीडियो बना के रखा ऑलरेडी, और एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के से रिलेटेड वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट हाइड्रेंट पोस्ट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। जो दो हाइड्रेंट पोस्ट होते हैं एडजेसेंट के, अगल बगल के, उनके बीच के डिस्टेंस हम क्या रखते हैं इंस्टॉल करने का टाइम। जैसे कि अगर एक हाइड्रेंट पोस्ट किसी जगह पर इंस्टॉल है तो उससे कितनी दूरी के बाद हमको दूसरा हाइड्रेंट पोस्ट इंस्टॉल करना चाहिए, हाइड्रेंट पोस्ट यानी हाइड्रेंट वॉल। तो इसका आंसर है, जनरली वी कीप 30 मीटर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट हाइड्रेंट पोस्ट बिकॉज ईच होज कैनवस पाइप है 50 मीटर लेंथ। तो इसमें बताया गया है कि जनरली 30 मीटर का गैप रखते हैं एक हाइड्रेंट पोस्ट से दूसरे हाइड्रेंट पोस्ट के बीच में। इसकी वजह ये होती है कि जो हमारा कैनवस का पाइप होता है जिसको लगा के हम हाइड्रेंट पोस्ट को यूज़ करते हैं, तो उसका उस कैनवस पाइप की लेंथ ही 15 मीटर होती है। तो अगर एक की लेंथ 15 मीटर है तो दूसरे की लेंथ भी 15 मीटर होगी, तो इसलिए दोनों के बीच का गैप हम 30 मीटर अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, विच पाइप इज जनरली यूज इन फायर फाइटिंग सिस्टम एंड वाई, कि कौन से पाइप को हम फायर फाइटिंग सिस्टम में जनरली यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। इसका जवाब है, मोस्टली वी यूज़ GI pipes इन फायर फाइटिंग सिस्टम बिकॉज इट हैव क्वालिटी लाइक स्ट्रेंथ, corrosion लेस, थिकनेस, durability, प्रेशर रेजिस्टेंस, लॉन्ग लाइफ बिकॉज ऑफ जिंक कोटिंग। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं GI pipe में, जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं इसको फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में। तो जनरली हम GI pipe यानी galvanized iron pipe को ही फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, इसकी ये वजह है, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है, उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है, कोरोजन लेस होता है, उसकी लाइफ थोड़ी लंबी होती है। ये सारे वजह होते हैं जिसकी वजह से हम GI पाइप को यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट प्रेशर शुड बी प्रोवाइड एट टेरेस, कि अगर हमारा कोई भी हाई राइज बिल्डिंग है तो उसके टेरेस पे हमको कितना kg प्रेशर हमको मेंटेन करना चाहिए। तो इसका जवाब है, जनरली वी शुड कीप प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3.5 kg/cm² एट टेरेस लेवल। तो जो भी हमारा टेरेस लेवल है वहाँ पे हमको 2.5 से लेके 3.5 kg/cm² तक प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम हर फ्लोर पे प्रेशर देते रहते हैं, जिससे कि हमारा टेरेस पे 2.5 से लेके 3.5 kg तक प्रेशर हमको मिलता रहे। ये प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम बूस्टर पंप भी टेरेस लेवल पे लगाते हैं। बूस्टर पंप का यही काम होता है कि ऊपर के फ्लोर्स पे यानी टेरेस फ्लोर पे ये प्रेशर 2.5 से लेके 3.5 केजी प्रेशर तक उसको मेंटेन रखना, ये बूस्टर पंप का काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, व्हाट टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम आर इंस्टॉल्ड इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में जितने भी तरह के स्प्रिंकलर सिस्टम है वो कौन कौन से स्प्रिंकलर सिस्टम है जो कि इंस्टॉल किए जाते हैं। तो जनरली जो हमारे इंडिया में है या फिर एशियन कंट्रीज़ में है वहाँ पे वेट स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, वेट स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर दूसरा होता है ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम, वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर जनरली जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट का वो फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाता है। वेट स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम पे हमने वीडियो बना रखा है कि दोनों क्या क्या होते हैं, उसमें हमने पूरी डिटेल में बताया है। और जो नीचे दो दिए हैं वो भी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जो अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन द फायर अलार्म सिस्टम, कि फायर अलार्म सिस्टम में कौन कौन से डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो जनरली टू टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स आर बीइंग यूज्ड इन फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम में जनरली दो टाइप के डिटेक्टर यूज़ कर किए जाते हैं, एक होता है स्मोक डिटेक्टर और एक होता है हीट डिटेक्टर। तो अब तो ऐसे भी डिटेक्टर आने लगे हैं जो कि मल्टी सेंसर होते हैं, वो हीट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं और स्मोक को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारे डिटेक्टर्स होते हैं, ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनसे इनपुट लेकर ये फायर पैनल को ये सिग्नल देती हैं, कमांड देने के बाद वो फायर पैनल फिर आगे का काम प्रोसीड करता है।
तो ये जो दोनों डिवाइसेज हैं ये इनपुट डिवाइस होती हैं फायर अलार्म सिस्टम की। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट डायमीटर ऑफ पाइप्स आर यूज्ड इन फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में जो डिफरेंट डायमीटर की पाइप्स होते हैं वो कौन कौन से डायमीटर के पाइप होते हैं जो कि हम फायर स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो जो सबसे बेसिक पाइप होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है 1 इंच का पाइप यानी 25 mm डायमीटर का पाइप, और उसके बाद 32 mm डायमीटर का पाइप होता है। साथ ही साथ हम स्प्रिंकलर भी बताते चलते हैं। 1 इंच डायमीटर के पाइप में 2 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं मैक्सिमम, 32 mm डायमीटर में 3 स्प्रिंकलर, 40 mm डायमीटर में 5 स्प्रिंकलर, 50 mm डायमीटर में हम 10 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं, 65 mm डायमीटर में हम 20 स्प्रिंकलर तक इंस्टॉल कर सकते हैं, 80 mm डायमीटर में हम 40 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं मैक्सिमम, और 100 mm डायमीटर में हम 100 स्प्रिंकलर मैक्सिमम इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी पाइप्स यूज़ होती हैं जैसे कि 150 mm, 200 mm, 250 mm डायमीटर, या फिर लास्ट में जो 300 mm डायमीटर का पाइप होता है ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। 300 mm डायमीटर का पाइप वो जनरली 150 mm से लेकर 300 mm डायमीटर का पाइप हमारा हेडर का पाइप होता है, जहाँ पे हेडर दिया जाता है उस पाइप में यूज़ होता है, या फिर राइजर में इनका यूज़ किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा पाइप्स हमारी यूज़ होती हैं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में वो होती हैं 1 इंच की यानी 25 mm, और जो होती हैं पाइप सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो है 150 mm, 150 mm यानी 6 इंच का पाइप। तो ये दोनों पाइप ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में। 1 इंच का पाइप जनरली ब्रांचेस या फिर ड्रेन लाइन देने के लिए हम यूज़ करते हैं, और 6 इंच का पाइप यानी 150 mm डायमीटर का पाइप हम जनरली रिंग लाइन हो गया, राइजर हो गया, हेडर हो गया, इन सब जगहों पे देने के लिए हम 150 mm डायमीटर का पाइप यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रूव वेल्डिंग इज डन इन फायर फाइटिंग सिस्टम, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जो कि ग्रूव वेल्डिंग होती है फायर फाइटिंग सिस्टम में, तो वो कौन से ग्रूव वेल्डिंग होती हैं जो हम फायर फाइटिंग सिस्टम में करते हैं। तो 1G वेल्डिंग होता है, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, ये सब तरह की वेल्डिंग्स होती हैं, ग्रूव वेल्डिंग है ये सब। दो तरह की वेल्डिंग होती है, एक फिलेट वेल्डिंग होता है और एक ग्रूव वेल्डिंग होता है। तो हम प्रोटेक्शन सिस्टम में ग्रूव वेल्डिंग ही करते हैं। इसको भी हमने एक वीडियो में बना के पूरा डिटेल में समझाया है कि 1G वेल्डिंग क्या होता है, 2G क्या होता है, 3G क्या होता है। डिफरेंट टाइप के वेल्डिंग पोजीशंस होते हैं, फ्लैट पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल हैं, वर्टिकल हैं, ओवरहेड हैं, और इस तरह के सारे वेल्डिंग की पोजीशंस हैं जिनको हम इसमें डिस्क्राइब करके पूरा का पूरा बताया है, और आप वीडियो को ज़रूर देखिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्मोक डिटेक्टर्स। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, देखा था कि कितने टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं, उसमें था हीट डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर। अब इसमें पूछा गया कि कितने टाइप के स्मोक डिटेक्टर होते हैं। तो स्मोक डिटेक्टर जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आयनाइजेशन टाइप का और एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का। इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें पूरा बताया डिटेल में कि आयनाइजेशन टाइप का डिटेक्टर क्या होता है और फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का डिटेक्टर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, व्हाट इज़ द फुल लेंथ ऑफ GI और MS पाइप्स। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होता है, लेकिन इसको बहुत लोगों ने पूछा भी था कि एक जो हमारा फुल लेंथ का पाइप होता है उसकी लेंथ क्या होती है। तो जनरली दो लेंथ में हमारा पाइप्स आता है स्टॉक में, अगर हम परचेस करने जाते हैं, या तो वो 6 मीटर की होती है 6 मीटर, या फिर वो 3 मीटर की होती है यानी 10 फिट का पाइप होता है। तो जो फुल लेंथ का पाइप होता है उसकी लेंथ होती है 6 मीटर। तो ये हुआ पाइप की बात कि कितने मीटर के लेंथ में हमारा फुल लेंथ का पाइप आता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट प्राइमर एंड पेंट्स शुड वी यूज फॉर पाइप्स इन फायर फाइटिंग सिस्टम, कि कौन सा प्राइमर और कौन सा पेंट हम फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो अगर हम प्राइमर की बात करते हैं तो हम येलो प्राइमर यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम में, जो भी पाइप्स हमारी यूज़ होती हैं MS की पाइप हो या फिर GI पाइप के लिए येलो प्राइमर। और पेंट में अगर हम जाएंगे तो PO रेड पेंट यानी पोस्ट ऑफिस रेड पेंट हम इनेमल का यूज़ करते हैं। जनरली हम एशियन पेंट को ही प्रिफर करते हैं, एशियन पेंट एक ब्रांड है, और भी सारे ब्रांड हैं जैसे बर्जर हो गया, लेकिन हम एशियन पेंट को ही ज़्यादा प्रिफर करते हैं
ये फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में जहाँ भी पाइप होता है पाइप में पेंटिंग के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के, जो कि क्वेश्चन नंबर 20। इसने पूछा है व्हाट इज़ पीसीडी ऑफ फ्लांज, मतलब कि कोई भी फ्लांज होता है उस फ्लांज में पीसीडी क्या वर्ड, पीसीडी वर्ड का क्या मतलब होता है। तो पीसीडी वर्ड का फुल फॉर्म होता है पिच सर्किल डायमीटर। डिफिनेशन होती है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू होल्स विच आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड पीसीडी। तो फ्लैंज में जितने होल होते हैं, जैसे चार होल का फ्लैंज है, अगर आठ होल का फ्लैंज है, ऐसे फ्लैंज होते हैं, तो उन फ्लैंज में जो होल होते हैं छोटे छोटे, तो उस होल के सेंटर से उसके जो जस्ट अपोजिट साइड में यानी जस्ट उसके सामने जो होल होता है, उस होल के सेंटर यानी दोनों जो छोटे छोटे होल होते हैं उनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को ही हम पीसीडी कहते हैं, उसको हम पिच सर्किल डायमीटर कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।